Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. Our today's chapter is Inflammation, which is a chapter of basic pathology. And our topic of the day is exudate and transudate formation and the differences between them. So to start with, first we'll look at the normal physiology of blood vessels. In the diagram, you can see ki human vessels jo hain, unki outermost lining is made up of endothelial cells. And jo endothelial cells hain, jo undamaged endothelial cells hain, unke beech mein spaces ya to minimal present hoti hai ya almost absent hoti hai. Aur iska fayda kya hota hai? यूजली जो ब्लड वेसल्स जैसे आर्टीरियल्स और वेन्स हैं उसके अंदर जो प्लेटलेट्स आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज या प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड वेसल्स से लीक आउट नहीं करते एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि एंडोथीलियल सेल्स जो हैं इंटैक्ट होते हैं. नाउ द सेकेंड कंसेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ब्लड के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं. First is the fluid compartment, which is made up of plasma, and second is the cellular compartment, which is made up of cells as well as plasma proteins. तो blood vessels को अगर हम एक pipe की तरह माने और plasma को अगर हम पानी की तरह माने तो अगर किसी pipe में पानी भर दिया जाए तो of course सी बात है वो उस पर pressure exert करेगा. तो सिमिलरली प्लाज्मा जो है ब्लड वेसल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है एंड उस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर जो कि प्लाज्मा ब्लड वेसल्स पे बाहर की तरफ लगाता है. सेकेंडली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और आयन्स हैं वो ब्लड वेसल्स पे नेगेटिव प्रेशर एग्जर्ट करते हैं विच इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर की तरफ लगता है टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल या टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ वेसल. सो एनी डैमेज टू एंडोथेलियल सेल्स और दिस प्रेशर वुड कॉज चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ वेसल्स. सो लेट अस रिवाइज दैट एंडोथेलियल सेल्स आर द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. Then hydrostatic pressure is positive pressure exerted by plasma on the walls of blood vessels. Next is osmotic pressure, which is negative pressure and is exerted by plasma proteins and ions present in the blood compartment. Lastly, hydrostatic pressure or osmotic pressure ka balance hona bahut zaruri hai. कोई भी चेंज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर में होगा तो फ्लूइड जो है लीक आउट होना शुरू कर देगा एंड दिस विल लीड टू एडीमा दैट मींस स्वेलिंग. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्ज्यूडेट एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्ज्यूडेट फॉर्मेशन. सो एक्ज्यूडेट फॉर्मेशन इज़ बिकॉज ऑफ जब जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है. ये एंडोथीलियल लाइनिंग जब डैमेज होगी तो इंटर एंडोथीलियल स्पेसेस जो है बढ़ जाएंगी जिसके कारण फ्लूइड्स और ब्लड के सेल और प्रोटीन्स वेसल से लीक आउट हो जाएंगे. सो इन दिस डाइग्राम वी कैन सी एक्ज्यूडेट फॉर्मेशन. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि जो इंटर एंडोथीलियल स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती है बट हियर एक्ज्यूडेट फॉर्मेशन तब होता है जब एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इंटर एंडोथीलियल स्पेसेस जो है एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाती है. एंड अगर इंटर एंडोथीलियल स्पेसेस इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो ब्लड के अंदर बड़े सेल्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर लीक आउट हो जाएंगे विद प्लाज्मा. So exudate is actually nothing but leaking of plasma with fluid and cells and proteins from the blood vessels to the extracellular compartment.
एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट मतलब आउटसाइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. सो द बेसिक कॉजेज ऑफ एक्सुडेट फॉर्मेशन आर वो कॉजेज जो कि एंडोथीलियल इंजरी करेंगे, एंड एंडोथीलियल डैमेज या तो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स करते हैं या फिर इन्फ्लामेशन के टाइम पे होने वाला जो डैमेज होता है वो भी कई बार एंडोथीलियल डैमेज कर देता है, लीडिंग टू एक्सुडेट फॉर्मेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रांसुडेट फॉर्मेशन एंड हाउ इज ट्रांसुडेट डिफरेंट फ्रॉम एक्सुडेट. सो ट्रांसुडेट फॉर्मेशन में जो सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं वो वेसल से लीक आउट नहीं करते. दैट मीन्स ट्रांसुडेट इज फ्लूइड विद लो प्रोटीन कंटेंट एंड नो सेलुलर मटीरियल, एंड बेसिकली इट इज़ नथिंग बट प्लाज्मा विच इज़ ओज्ड आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेशर इम्बैलेंस. नाउ हियर इन दिस डायग्राम व्हाट यू कैन सी इज ट्रांसुडेट फॉर्मेशन. तो ट्रांसुडेट फॉर्मेशन में जो है इंटर एंडोथीलियल स्पेसेस बढ़ती नहीं है, दे आर नॉर्मल ओनली. एंडोथीलियल सेल्स जो है डैमेज नहीं होते हैं, बट सम हाउ फ्लूइड जो है बाहर लीक हो जाता है. एंड ट्रांसुडेट फॉर्मेशन का मेजर पॉइंट है कि प्रोटीन्स और सेल्स नहीं होते ट्रांसुडेट में, वाइल एक्सुडेट में वी सॉ कि प्रोटीन्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट हियर नो प्रोटीन्स एंड सेल्स आर प्रेजेंट. तो ट्रांसुडेट फॉर्मेशन होगा कैसे, या तो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है या फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो ब्लड वेसल से बाहर ऊज आउट होने लग जाएगा, दैट विल बी इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रोटीन्स एंड कैटायंस. नाउ द बेसिक कॉजेज ऑफ ट्रांसुडेट फॉर्मेशन आर वो सब चीज़ें जो कि प्रेशर इम्बैलेंस करेगी. तो या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा बाहर लीक आउट करेगा, एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है उन कंडीशंस में जिनमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस. या फिर ट्रांसुडेट फॉर्मेशन होगा इन द केसेस जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली अंदर पॉजिटिव प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा जब जब प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, विच इज़ ड्यू टू लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ इन विच प्लाज्मा प्रोटीन डेफिशिएंसी अकर्स इन द बॉडी लीडिंग टू ट्रांसुडेट फॉर्मेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज पस. वी नो दैट एक्ने और एनी पिंपल हैज़ पस इन इट. सो पस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एक्सुडेट, एक ऐसा एक्सुडेट जिसमें न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. सो पस इज एन एक्सुडेट रिच इन न्यूट्रोफिल्स एज वेल एज ल्यूकोसाइट्स एंड डेड सेलुलर मटीरियल. जो डेड सेल होते हैं वो एक्चुअली पस की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन एन एक्ने और अ पिम्पल. Now let us see the differences between exudate and transudate, which are a very common question in examination as well as viva. So left side has exudate and the right side has transudate. So exudate is a fluid which is rich in proteins as well as cellular materials, while transudate is a fluid which is lesser in proteins as well as contains almost no cellular amount. Now, जो exudate है that is due to endothelial damage. Anything which causes endothelial damage would lead to exudate formation like inflammatory damage. And transudate is due to change in hydrostatic pressure or osmotic pressure. Causes of exudate formation is inflammation, while transudate formation occurs in liver or kidney diseases usually जिनमें protein deficiency हो जाती है, plasma protein deficiency. So thank you, please like, share and subscribe if you found it knowledgeable and helpful in your examinations.